हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं NDRO में आई वैकेंसी के बारे में जानकारी, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सैलरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं NTRO, इट मीन्स नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आई वैकेंसीज की। इसमें कई सारी वैकेंसीज आए हुए हैं, जिनके नाम हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, रिस्क एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा इसेंशियल, डेटा एनालिस्ट, ऐसे कई सारे इसमें पोस्ट आए हुए हैं। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है बी या बी टेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या IT में, और यदि आपने MCA या MTech किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक डिजायरेबल सर्टिफिकेशन कोर्स मांगा गया है, जैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए CISA का सर्टिफिकेट। ऐसे ही सेम टू सेम बहुत सारे जो अलग अलग वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं। इसके साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस भी है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एज लिमिट रखा गया है अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, ये अलग अलग है। अगर मैं रेंज की बात करूं पोस्ट एज लिमिट की, तो 30 इयर्स मिनिमम है एंड 62 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो है ऑनलाइन, और उसके साथ साथ आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका सॉफ्ट कॉपी आपको इसमें मेल भी करना है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी मिल जाएगा। इसे अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 16 मई 2022। इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सेलेक्ट होने के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो तीन कैटेगरी में रखा गया, उसे जो है 41,000, 38,000 एंड 48,000। तो अगर देखा जाए तो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 48,000 पर मंथ की। तो आपके पास एक शानदार मौका है NTRO में अपना कैरियर बनाने का, तो जाइए और अप्लाई कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।